किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं, जो श्री राम वैरायटी का करण वंदना 187 गेहूं आता है, DBW 187 नाम से, उसके बारे में आपको हम बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। और हमारे साथ एक किसान भी हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और पूरा एक डाटा आपको बताएंगे, कैसे कितना उत्पादन होता है, कितनी लागत लगती है और कितना ज्यादा उत्पादन इस समय गेहूं की है मार्केट में। सबसे ज्यादा अगर कोई बिकता है तो श्री राम का 187 गेहूं है, जो करण वंदना के नाम से DBW 187 आता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कितनी खाद लगती है और कितना उसमें आप उसकी ऊंचाई कितनी होती है, उसमें उत्पादन कितना होता है, उसमें सिंचाई कितनी लगती है, कल्लो की संख्या कितनी है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। एक विधिवत आपको एक जानकारी देंगे उसके बारे में। और बीज उपचार के बारे में भी बताएंगे, किसान ने कैसे कैसे प्रयोग किया और किसान से आपको पूरा परिचय कराते हैं। आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी। चलिए किसान से आपको मिलवाते हैं और उनका आपका पूरा परिचय करते हैं। किसान भाई नमस्कार। नमस्कार जी, अपना आप पूरा परिचय बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, किस गाँव से? हम बनसतही के रहने वाले हैं, जी। अपना आपका गंगाराम नाम नगर नाम क्या से, है? धर्मराज सिंह। धर्मराज सिंह। आप ये बताइए कि आप खेती कर रहे हैं, लगभग कितने कितने बीघे में आप खेती करते हैं, गेहूं की जो बुआई करते हैं अपने एरिया में, कितने बीघे में करते हैं? अरे पिछली साल मैंने 187 किया था। जी, 187 आप गेहूं हाँ, लगाए थे, 187 आप गेहूं लगाए थे, तो 187। उससे आप हमें ये बताइए कि उसका उत्पादन कितना हुआ था और उसकी लंबाई पौधों का। अच्छा, ये आप पहले शुरुआत से बताइए, उसमें कल्लों की संख्या कितनी थी उसमें? 14 से 15 कलर है। 14 से 15 कल्ला। किसान बता रहे हैं जी कि 14 से 15 कल्ला तो उसमें पौधों में थे। और पौधों की जो लंबाई होती है, जैसे किसान की समस्या होती है, पौधे गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा हवा चलती है गिर जाते हैं, तो इनमें पौधों की लंबाई कितना थी? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, सौ से हाँ 110 सेंटीमीटर होता है, जबकि एक हाँ नॉर्मल लंबाई। अगर इतना लंबा अगर पौधा है तो ये गारंटी है कि पौधा गिरेगा नहीं। अगर पौधा गिरता नहीं है तो उसके उत्पादन में भी बहुत भारी बहुत बड़ी, जैसे एक कहते हैं कि उसके लिए एक बहुत अच्छा गुण है कि वो गिरता नहीं है तो बहुत ज्यादा उत्पादन भी होगा। अगर गिर जाता है तो उत्पादन आधा हो जाता है। एक चीज है कि पौधे की जो लंबाई है बहुत ही सीमित है, 110 तक होगी और बहुत अच्छा उत्पादन होगा। और इसमें कल्लों की संख्या भी देखें कि आप 14 से 15 कल्ले होते हाँ हैं, 14 से 15। जो श्री राम का 187 गेहूं आता है। आपने बीज उपचारित किया था, किस चीज से आपने बीज को उपचारित किया था? एनपीके से। एनपीके से, जो इफको का एनपीके आता है, बायो कंफोटिया आता है, इससे बीज को उपचारित किया था। बीज उपचारित करने से आप, अच्छा ये बताइए कि उसमें आपने क्या प्रभाव देखा, बीज उपचारित किए तो उसमें क्या रंग दिखा, कल्लों की संख्या या जमाव में कितना आपने देखा कि जमा जमाव? तो बहुत सही रहा। जी, जमाव बहुत सही हाँ था। हाँ अगर जमा आप बीज उपचारित करते हैं तो किसान भाई बता रहे हैं कि उससे जमाव बहुत अच्छा होता है। हाँ अगर जमा होता जमाव अच्छा हो गया तो आप 100% ये मान के चलिए कि अगर पौधे का अच्छा जमाव हो जाता है तो उससे क्या होगा कि उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर अच्छे पौधे जम जाएंगे, उनकी जड़ों का जो ग्रोथ है वो अगर बढ़ जाता है, तो उनका जो ग्रोथ है, कल्लों की संख्या, लंबाई या उत्पादन, वो सब पर प्रभाव पड़ता है, एक सीरियल से सभी पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये चीज इस बार भी आप 187 लगाएंगे? जी, 187 इस बार भी आप गेहूं लगाएंगे। हाँ और 187 में, और आप ये बता दीजिए, जैसे इसका आप देखेंगे कि ये गोल दाना, ये दाना भी क्या होता है, सफेद बाली में गोल दाना होता है, बहुत ही चमकदार होता है गेहूं और गोल होता है, लंबे में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जैसे कि हमें भी पता चला, बताने पे जानकारी की है कि इसका जो है ब्रेड, और ब्रेड भी बनता है और कई सारे जो भी ये प्रोडक्ट होते हैं, मैदा बनता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो यही गेहूं है, जो 187 है, इसी गेहूं का मैदा भी बनता है, ब्रेड भी बनता है और कई सारी चीजों में ये बनता है, इसका प्रयोग करते हैं। आप इसको कितने साल से लगा रहे हैं ये बता दीजिए। 2 साल। 2 साल से हाँ ये लगा रहे हैं। पहले मैं ये भी बता दूं कि पहले जो ये गेहूं आता था 187, इसका बीज नहीं मिलता था, इसका जो है बीज मिलने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे आप 29 सरफट लगाते हैं, वो भी गोल दाना है और ये भी गोल दाना, लेकिन 29 सरफट से बीफ होता है वो, अगर जी उन्हें उससे और भी मोटा है और गोल में भी है, 29 सरफट जैसे सेम उसी तरह है और इसकी मांग ज्यादा है। 29 सरफट क्या हो गया कि काफी पुरानी वरायटी है, बहुत दिन से किसान लगा रहे हैं उसके लिए, लेकिन अब इस समय ये 2023 में सबसे ज्यादा धमाल मचाने वाली वरायटी है। और ये आप बता दीजिए कि एक बीघे में आपका कितना उत्पादन हुआ था? 15-16 कुंटल। 15 से 16 कुंटल एक बीघे में। अगर हाँ 1 एकड़ की बात की जाए तो समथिंग पूरा एक एवरेज कितना होगा, 1 एकड़ में उत्पादन कितना हुआ था? लगभग 24 कुंटल।
24 क्विंटल। किसान भी भाई बता रहे हैं भाई साहब कि अगर एक एकड़ में अगर आप उत्पादन लेना चाहते हाँ, हैं 24-25 क्विंटल आपको बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसा कोई बीज आपको नहीं दूसरा लेना है जो कि आपको उससे कम उत्पादन दे। अच्छे उत्पादन के लिए अच्छे बीज का चुनाव करें। अच्छे बीज के साथ चुनाव करने से क्या होगा, आपका उत्पादन अच्छा हो जाएगा। और उसमें खाद का आपने क्या क्या प्रयोग किया था, खाद के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। डीएपी ये प्रयोग किया रहा, डीएपी प्रयोग किए थे और उसके साथ आपने क्या डाला था डीएपी बुआई के समय? बुआई के समय खाली डीएपी। जी जी, और दोबारा जब आप इसमें आप पहले सिंचाई करते हैं, जब उसमें 22-25 दिन पे आप सिंचाई करते हैं, तो उसके बाद आपने इसमें क्या क्या प्रयोग किया था? यूरिया प्रयोग किए थे। जी जी जी, और कोई जैसे जिंक सल्फर वगैरह ये सब चीजें भी? हाँ, जिंक जिंक सल्फर भी करते हैं किसान, ये भी करते हैं, संख्या भी बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, और ये उत्पादन भी बहुत अच्छा देने वाला गेहूं है। और जो भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं या जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि 187 गेहूं के बारे में क्या कहते हैं, किसानों को क्या कहना चाहेंगे? अरे तो यही बोवाएं और अच्छी पैदावार ले। जी जी जी, किसान भाई कह रहे हैं कि यही आप गेहूं की बुआई करिए और अच्छी पैदावार लीजिए गारंटी के साथ। गिरेगा भी नहीं और उत्पादन में भी सबसे ज्यादा होगा, आपको ये भी होगा। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप 187 करण वंदना DBW 187 के नाम से वैरायटी है वो हमारे एग्री जंक्शन केंद्र पर उपलब्ध है। जो भी किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं, नंबर चल रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, उस पर आप संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं और आपको बीज उपलब्ध है। श्री राम बहुत सारी कंपनियों का आता है, लेकिन जो श्री राम का गेहूँ है 187 DBW 187, इसमें छोट बड़ा नहीं निकलता, एक साइज का एक बराबर। अगर आप ऐसे कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, इतना बराबर एक सामान नहीं रहता है, एक बराबर होता है इस तरह। तो आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा 187 गेहूँ का इस बार बुआई करें और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला यही एक गेहूँ है। चलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।